दोस्तों, अगर आपके बाल भी काफ़ी ज़्यादा डल, ड्राई और डैमेज हो रहे हैं तो आप भी यूज़ कीजिए हेयर मास्क। और इसको लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ, और साथ में मैं बताऊँगी कैसे आपको हेयर मास्क को अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। दोस्तों, अंडे का जो हेयर मास्क होता है उसको लगाने के जो रीज़न्स होते हैं, एक तो क्योंकि एग में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस सब कुछ होता है, तो इससे क्या होता है, बालों की ग्रोथ होने में अच्छा होता है और आपके बालों को ये स्मूथी, सिल्की और शाइनी बनाता है। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके स्काल्प पे एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से कंडीशनिंग हो जाए, तो उसके लिए आपको चाहिए एक एग। आपको क्या करना है, शैम्पू करने से कम एक घंटे पहले आपको एक एग लेना है, उसमें डालना है नारियल का तेल। नारियल का तेल आपके जो स्काल्प होते हैं उनको कंडीशन करने में और हेल्प करेगा और आपके बालों को सिल्की बनाएगा। और हमेशा जब भी इस्तेमाल करें तो वो हेयर ऑयल इस्तेमाल करें जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा सूट करता है। यहाँ पे मैंने लिए एक विटामिन ई की गोली। अभी जो विटामिन ई की गोली है, हम इसे इसमें मिक्स कर लेंगे तो ये हमारे स्काल्प को और अच्छा, जितने भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो इसको भी फिल करता है। तो यहाँ पे हमने एक जो कैप्सूल होता है विटामिन ई का, वो ले लिया, हमने डाल दिया है। इन तीनों इंग्रेडिएंट को हमें एग में डालना है। उसके बाद हमें लेना है एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। आप चाहें तो अगर बेसिकली प्लांट का जो एक्चुअल होता है अगर वो आप लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि मुझे वो मिला नहीं तो मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल डाल लिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप कितना भी मार्केट के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लीजिए, चाहे कंडीशनर हो, शैम्पू हो या हेयर मास्क हो, लेकिन जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं ना, उनका प्लस पॉइंट ये होता है, ये आपके बालों को एक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं देंगे और आपके बाल जितने भी ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं या दो मुँह बाल हो रहे हैं उनको कम करता है। यहाँ पे मैंने जो एग का बाहर का पार्ट था उसे मैश कर दिया है। हम इसे किसी भी प्लांट जो होता है, गमला होता है, उसमें डाल देंगे। ये प्लांट्स की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे जो हमने मिक्सचर अप्लाई करना है उसे हम अच्छे से अपने बालों पे मसाज करके अप्लाई करेंगे। तो ये हमने पूरा अपना मिक्स कर लिया है जो एग का घोल होता है, अब हम इसे बालों पे अप्लाई करेंगे। आपको कम से कम एक घंटे तो इसको रखना होगा, या आधे घंटे भी रख सकते हैं, पर थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा ताकि आपके बालों में वो अच्छे से पोषक तत्व मिक्स हो जाएँ। तो हमने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसे फटाफट से बालों में अप्लाई कर लेते हैं। आप याद रखिएगा कि नहाने से पहले ही कीजिएगा, क्योंकि जो एग होता है उसमें थोड़ा स्मेल आती ही आती है, पर क्योंकि हमने इसमें कोकोनट ऑयल और विटामिन ई डाला है तो ये इस स्मेल को कम कर देता है, पर फिर भी एग में एक जो स्मेल होती है वो बनी रहती है। तो बालों को अच्छे से शैम्पू करना मत भूलना। तो आपके जितने भी स्काल्प हैं आपको इस टाइप से इसे अच्छे से लगा लेना है। आप नीचे की तरफ पूरे बालों पर इसको अच्छे से लगा लीजिए, जैसे ऑयलिंग करते हैं उस टाइप से, और फिंगर की हेल्प से पूरा अंदर जो स्काल्प हैं उन तक जाना चाहिए। ये आपके बालों को इतना शाइनी बना देगा कि आपको बिलीव भी नहीं होगा। फिर मैंने इसको एक घंटे रखने के बाद शैम्पू कर लिया है और मेरे बाल इस टाइप से बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो गए। आप ट्राई करके देखो, हफ्ते में एक बार ट्राई करो, आपको इसके रिजल्ट ज़रूर बेटर मिलेंगे। तो दोस्तों, एक बार आप भी इसे अप्लाई करके देखिए। हफ्ते में एक बार भी लगाते हैं तो आपको इसका पूरे वीक रिजल्ट मिलेगा, आपके बाल शाइनी रहेंगे। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू।